सोमवार तारीख 19 वर्ष 64 दिन पूज्य श्री गांधी स्वामी का स्वामी रचित श्रावकाचार्य की गाथा 247, 245, 247, 248, 250, 251, 252, 266 और 272 पर संगठ में सुबह हुआ था। नमो लोये सौरियंतानम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौरियम नमो लोये सौजयनम नमो लोये सौत्रिकावती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मंगल नम सुमर सारा दर्शनम सप्त सत्वानां द्रव्य काय पदार्थम जीव द्रव्यम से शुद्धम सार्थम शुद्धम दर्शनम। जो पहले श्रावक को सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए। सम्यक दर्शन में सप्त तत्व जीव अजीव आश्रव संवर निद्रा बंधने सात पदार्थ सात तत्वों ने बराबर श्रद्धा होनी चाहिए, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। सात तत्व की समझ में आया, सात तत्व की श्रद्धा भेद वाली श्रद्धा है, बिना आधीन बात है। आया दर्शनम सब तत्वानाम सात भिन्न भिन्न तत्व जैसा है ऐसा श्रद्धान करना, उसको व्यवहार संकित इतने के खरेखर संकित नहीं। पर जिसको अपना शुद्ध आत्मचिंतन चाहते हैं जीव द्रव्यम से शुद्धम से सार्थम शुद्ध दर्शनम, जिसको आत्मा शुद्ध ज्ञायक परिपूर्ण आनंद ऐसा अंतर की दृष्टि निर्विकल्प श्रद्धा भान हुआ हो, यथार्थ शुद्ध दर्शन वो है, यथार्थ सम्यक दर्शन वो है। पंडित जी थोड़ा वचन हो गया है, पहले नाश आत्मा है, आज पहला एक हो गया है, 24 हो गया, कल एक बाकी है तुम्हारा मांगनी है, पंडित जी मांगनी है हाथ खड़ा करना एक है कल आया। तो उसमें जो कैसे अर्थ होता है उसमें क्या है उसका पहला समझना चाहिए। यहाँ दो बात लिया एक गाथा में कि दर्शनम सत्व तत्वानाम सात तत्व की, अजी सात तत्व क्या है उसकी खबर न हो, अजीव अजीव की क्रिया करते हैं दयादान का परिणाम भिन्न है, हिंसा दिखा का भाव पाप है, आत्मा न्याय भिन्न है, क्या आएगा नाम जाना सात तत्व नाम सात भाव, सात भाव आत्मा ज्ञाय चैतन है और आत्मा की पर्याय में दया दान व्रत भक्ति का विकल्प उठते हैं पुण्य है, हिंसा दिखा चोरी पाप है, दो मिलकर आश्रय है, आत्मा का स्वभाव और राग में रुकते हैं इतना भाव बंद है, कर्म शरीर आदि की क्रिया अजीब है, ये अपने से होती नहीं और अजीव कर्म से मेरे में आश्रव विकार होता नहीं, ऐसे सात तत्व का भेद पूर्वक श्रद्धा करना उसका नाम व्यवहार संयक दर्शन है, अर्थात वो संयक दर्शन सच्चा नहीं। समझ आया, और दृढ़ सदृढ़ दूसरा बोले ना पंडित जी, भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा सदैव द्रव का नाम ही ना आता हो, मतलब जी सदैव किसको कहते हैं भगवान जाने आते नाम
नहीं दुखी बात करते हैं मत। अर्जुन जी द्रव का नाम आते कि नहीं? कहीं नो नॉलेज कहीं मानते नहीं जानते यहाँ पर सर अभी तक नहीं सीखा जितनी उम्र हो चुकी अरे सीखना सात तत्व भिन्न भिन्न हो सबकी व्याख्या है वो भिन्न भिन्न का श्रद्धा करना उसका नाम रहा संकित नाम शुभ राग है और सद्रह है ना उसमें सद्र उसमें लिखा है सद्रह अनंत आत्मा हुई जीव द्रह संख्या अनंत है अनंत परमाणु उद्गम द्रह और धर्मास्थी धर्मास्थी आकाश ने कहा ऐसा सद्रह अनादि अनंत भगवान का ज्ञान में आया है इस सद्रह को सद्रह रूप यथार्थपणे श्रद्धा करना वो व्यवहार संकेत अर्थात शुभ राग है कि निश्चय संकेत ने धर्म नहीं समझ में आया पर जिसको इतना ही ठिकाना नहीं सात तत्व की श्रद्धा का ठिकाना नहीं तो द्रव क्या है और कहा है पंचास्थि कहा है उसमें काल निकाल दिया काल में अस्थि है पर का है नहीं पंचास्थि कहा है काल है असंख्य अणु है चौदह ब्रह्मांड में एक एक अणु में कालाणु में अनंत अनंत गुण है ऐसा असंख्य अणु सारा लोक में एक एक आकाश प्रदेश में रहा है ऐसा काल को अस्थि है पर समुदाय तरीके काय नहीं तो उस सिवाय पांच का है जीवास्थी का है पुद्रास्थी का है धर्मास्थी का है धर्मास्थी का है आकाशी का है ये पांच का जैसा है ऐसी श्रद्धा करना वो शुभ राग रूपी वाला संकित है जिसको जिसको नीचे सम्यक दर्शन होता है उसको समझ में आया और पदार्थ नव पदार्थ है देखो सात तत्व सुदृढ़ पांच अस्थी का है और नव पदार्थ कि नौ पदार्थ खोला सात में थे आश्रो में से दो निकाला उन्होंने पाप भिन्न नौ पदार्थ भिन्न भिन्न नौ है उन पाप नहीं पाप पुण्य नहीं आश्रो दो मिलकर भिन्न है बंध भिन्न है अजीव भिन्न है कर्म भिन्न है आत्मा ज्ञान भिन्न है संवर निद्रा पर्याय अपने शुद्धियों भिन्न है उन पाप का परिणाम से संवर निद्रा आत्मा का स्वभाव से उत्पन्न हो भिन्न है ऐसा नव का नव रूप भेद रूप श्रद्धान करना उसका नाम शुभ राग शुभ विकल्प व्यवहार संकेत उसको कहते हैं जिसको जीव द्रव्यम शुद्ध साक्षण शुद्ध दर्शन जिसके साथ जीव न्याय चुकानंद निर्विकल्प शुद्ध आत्मा वो राग की क्रिया करने वाला नहीं दान आदि व्यवहार विकल्प का कर्तृत्व नहीं हो सात तत्व द्रव किया विकल्प उसका भी कर्तृत्व जिसमें नहीं ऐसे ही किला आत्मा शुद्ध सार्थम यथार्थ शुद्ध दर्शन उसको यथार्थ शुद्ध दर्शन नाम विशेष समय दर्शन कहते हैं समझ में आया इसको बहुत परिचय मानते थे क्या संप्रदाय में आते थे कि नहीं क्या कहना देखो एक गाथा में दो लिया इसमें पहले में जवाब लिया और दूसरा नीचे लिया पर जिसको नीचे उसको उसको नव तत्व आदि का व्यवहार संकित कहने में आता है संगत दो प्रकार का संगत दर्शन का कथन है संगत दर्शन दो नहीं कथन में दो है तो एक प्रकार पहले लिया दूसरे प्रकार दूसरी पद में लिया जिसको जीव द्रव्यम शुद्धम न्याय अखंड निर्विकल्प राग विकल्प का कर्ता नहीं देह की क्रिया का कर्ता नहीं तो सात तत्व में आ गया उसको पर यहाँ निर्विकल्प आत्मा में शुद्ध आत्मा का अनुभव पूर्वक प्रतिभान होना उस यथार्थ शुद्ध दर्शन है यथार्थ को निश्चय कहो सार्थम है ना सार्थम निश्चय को वो व्यवहार जिसको निश्चय संगत दर्शन होता है उसको ऐसा व्यवहार संगत दर्शन होता है निश्चय बिना का ही किला व्यवहार पुण्य बंध का कारण है उसमें कोई व्यवहार संकेत का आरोप भी देने में आता
समझ में आया जी, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं खबर नहीं, अने कहते हैं व्रत ने नियम ने चार किया खंड आ गया, वो कहते दुख दुख सार जी माया ने सात सार लेते हैं उसमें। पिस्तालीस 245 अमृतम अतीत उत्पादम मिथ्या माया लोकरण्य पतंती ते मरा। आखिरी भाषा है, सार्वभौम कड़क है, कड़क हो तो कहना ही पड़े उसमें क्या लोक में क्या लोक की जो वो माटे कहते हैं। देखो लोक रंजन, लोक को रंजन करने में अनुकूलता करे ऐसी बात करना वो पाखंडी मूंड है, नरी पतन की तुम्हारा। ये नरक में जाएगा लोक रंजन, लोगों को अनुकूल अनुपरा भैया, ये दया दान भक्ति व्रत वो भी एक धर्म है, वो तो विकल्प है, वो भी धर्म है, ऐसे मानते हैं मनाते हैं लोगों को राजी राजते हैं, नरक ही पतंती नरक में जाएगा, क्योंकि भगवान का मार्ग से विरोध द्रोही करते हैं। समझ में आया कि पिता ही गाँव 247 में आएगा। समझ में आया है चंदन डाल देंगे है। देखो अनृतम पक्षी नस्पति अनृतम मिथ्या अज्ञान को ही उत्पन्न करने वाला है, मिथ्या श्रद्धा उनकी मान्यता सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर है, एक पण शब्द का विरोध करे, एक अक्षर का लोक न्याय से करे, ऐसा मिथ्या अज्ञान को उत्पन्न करने वाले और स्वयं मिथ्या दृष्टि और मायाचार और लोगों के रंजायमान करने में लगे रहते हैं, शिक्षा को सबको अनुकूल लगाना, पैसा वाले भैया तुम तो पैसा का तो तुम्हारा उसमें धर्म है, सावर लोग का पूजा दान उसमें धर्म है, मुनियों को दूसरा धर्म है, ऐसे दुनिया को रंजन करने वाला नरी पसंती नरक में जाएगा। दर्शन जी लिखा है नरी पसंती मानव नरक में पड़ते हैं, बचेंद्र का महा दुख है, भक्त लोग को रंजन करे पर भगवान की आज्ञा से विरुद्ध होता है उसकी खबर नहीं, सबको भला नाना और सबको अच्छा कहना, शिक्षा को माखन सो पढ़ना, माखन समझे क्या कहते हैं माखन, चापलो भी तुम्हारा भी है भरा, तुम है भरा धर्म है, तुम्हें ऐसा धूल में ही बांध नहीं, पैसा वाला हो गया कि क्या धर्म हो गया, अरे 5-50 लाख खर्चे दिए तो धर्म हो गया, वो तो धूल है, वो तो राज मंद किया हो कदाचित तो पुण्य है, धर्म धर्म है नहीं, मंदिर तो बनवाया तो हो बड़ा धर्म ही तुम है। हाँ ये क्यों थे पंडित हमारे और रात को उसका मंदिर हुआ ना 1.5 लाख का 36 साल में, तो ये पंडित आया था तो बड़ा महोत्सव था, 500 हजार आए थे और राजकोट में मंदिर में, तो वो पंडित कहा हमारा शेष को तुम्हारा दादा हो नानंद भाई, नानंद भाई ने कहा कि शेष आ मौसम आ इतना खर्च 2 लाख तो उसने खर्चा 2 लाख तुम 7-8 बजे मुक जाएगा, शेष के भाई महाराज हमारा ऐसे नहीं कहते, हम ऐसे नहीं मानते, हमारा नानंद भाई था ना उसका मोहन भाई का पुत्र है उसका बड़ा भाई मुसरे मानते हैं, नारायण भाई को कहा वो पंडित है 36 साल में बराबर तो 2.5 लाख का नया मंदिर दिगंबर का, तभी यहाँ काशारण में मंदिर था ही नहीं, दिगंबर एक यहाँ बाद में था और एक दिन यहाँ जो उसने सोना ना बाप है और सात 8 बजे तो मौज मौज जाएगा वो इतना प्रभाव भाई हमारा मारन ना पड़ता वैसे मौके हमको तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते हमारा भाव जितना शुभ हुआ हो इतना हम कुल बन जाएगा।
जितना हमारा राजमंद हुआ हो वो कण की रहे ना, उसका पिताजी था तीनों भाई बहुत ही यहाँ हमारे एक एक वर्ष में तीनों गुजर गई। हमारे यहाँ बहुत संस्था था अगर बहन था जमुन, उसका पिताजी तो भी हमारे साथ में है बहुत प्रेम था, तो प्रेम ही बहुत है आपका साथ में थे ना, तुम भी साथ में थे साथ में। तो उसने कहा कि नहीं अल्लाह तआला कर दिया कि आठ बजे मुक जाते हैं। कौन कहते हैं ऐसा मूल मिथ्यादर्शी दुनिया को रंजन कराने को ऐसे 5 लाख 10 लाख खर्चे तुम्हारे धर्म होगा। लोग रंजन करके भगवान की आज्ञा का लोप करते हैं, समझ में आया पंडित जी? गलत बात है, वो तो शास्त्र में है, ऐसी है ऐसा है। पाखंडी मूल विश्वास, हम देखो पाखंडी साधुओं का विश्वास करते हैं, ऐसी हिंदी मानता करने वाला कोई पण ग्रस्त हो उसका विश्वास करते हैं। देखो उसका विश्वास करते हिंदी मानता कहने वाला उनका धर्म है, हमारी क्रिया करते हैं करते धर्म हो जाएगा। ऐसे जो कोई मनाते हैं ऐसा विश्वास करते हैं, ये विश्वास करने वाला मानव नरक में पड़ते हैं। क्या है पाषंडी मुझ विश्वास नहीं पसंदी थी नरा जी, पहला समझना चाहिए ना भैया, तुम पहली चीज क्या है? महान प्रभु का मारक सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, उससे एक विरोध अत्यारे तो बहुत विरोध से विरोध का खबर ही नहीं, विरोध करते हैं कि नहीं, समझ में आया? ये मैं यहाँ लिया है कि ऐसा मिथ्या माया मिथ्या श्रद्धा अंदर माया दास दुनिया को धर्म मनाने अंदर में कहीं माने बाहर को कहीं माने और लोक का रंजन लोक रंजनम पाखंडी मूल विश्वासम, ऐसा को कोई पर विश्वास करे वो भी धर्म का कहने वाला है, वो भी एक धर्मी है, वो भी एक विद्वान है, ऐसे मानकर उसका विश्वास करे नई पसंदी ये विश्वास करने वाला नरक में जाएगा। है भैया उसमें भाषंडी वचन विश्वासम समय मिथ्या प्रकाशनम जिन द्रोही दुर्बुद्धि स्थानम तक्षण जायते। क्या क्या देखो अपने को खबर नहीं तो दूसरा में क्या खबर है उसको क्या चीज है? तो कहते हैं भाषंडी जीवों का वचनों का विश्वास करना है नहीं भान ने जहाँ क्या वचन धर्म के नामे चला दे ऊंचा बात ऐसा साधुओं के ग्रस्त तो कोई पाने उसके ये तो विशेष संक्षेप है। साधु नो नाम पाखंडी हम सुन जो पाठा साधु है ने तो इन्हें पाखंडी के पाखंडी के पाप टेम नहीं यार समय कारण है। यहाँ कहते हैं एक ग्रस्त हो के विद्वान हो के त्यागी नाम धरा नारा हो के साधु हो पाखंडी साधुओं का वचनों का विश्वास करना ये महाभिन्न द्रोही है। ऐसा विश्वास करने वाला भगवान का मार्ग का द्रोही है, है? भिन्न द्रोही ये दुर्बुद्धि है, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं अज्ञान बुद्धि है, दुर्बुद्धि का तो अज्ञान को ये मिथ्या जम का मत्ता प्रकाश करना है। देखो समयम मिथ्या प्रकाश समय त्याजम आजम का मिथ्या प्रकाशन वास्तविक आजम क्या है उसका अर्थ क्या है समझे बिना अपनी कल्पना से उल्टा आजम का अर्थ चला दे और मिथ्या आजम का परंपरा चला दे। जिन द्रोही ऐसे पाखंडी साधु जिनेन्द्र के अनेकांत मत के शत्रु है, लिखा है हमने लिखा है भैया लिखा है उसमें वो शीतल प्रसाद ने लिखा है। ओ शीतल प्रसाद हुआ नहीं ब्रह्मचारी मैं तो दूसरा को समझाने के समझ में आया समझ में आया कि नहीं शीतल प्रसाद दिगंबर हुआ है ना ब्रह्मचारी उसने अर्थ लिखा है कारण स्वामी ना पाठ उसमें पाठ में है। जिन द्रोही दुर्बुद्धि जिसको भगवान आत्मा भिन्न राग क्या भिन्न आश्रो को भिन्न जड़ की परिया क्या भिन्न कान में भगवान का आजम के नामे चढ़ा रहे तो आजम हम कहते हैं
शास्त्र हम कहते हैं ऐसा दीनद्रोही और मिथ्या दुष्बुद्धि वाला रखने वाला स्थानम प्रश्न जायते क्या उसका स्थान न जाना स्थानम प्रश्न जायते स्थान नहीं थे जहाँ क्या जाना है भाई आज प्रश्न जाएगी जिसकी स्वरूपणा श्रद्धा विरुद्ध है आयम से विरुद्ध है और संग उसका वचन का विश्वास करना कि मिथ्या प्रकाशन करते हैं उसका स्थानम प्रश्न जाएगी ऐसे पाखंडी यादों के स्थान में भी जाना उचित नहीं उसका संग करना नहीं स्वागत करना नहीं उसकी ऊंधी रीचे चढ़ा भी देगा उसकी दृष्टि विपरीत है आयम का अर्थ को विपरीत करते हैं उसके रूंधे रस से चढ़ा देगा समानम प्रश्न जाए थे वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं तो भाई ईश्वर सिंह जी स्पष्ट कराते भैया ग्रहण नहीं है ऐसी वस्तु की स्थिति है वस्तु की मर्यादा है भगवान त्रिलोकनाथ हरिहंस गंधर्व जो कहे उसकी उसके नामे हराकर उल्टा चलाना उसको कह के वो तुम नरक की पसंद थी और उसका विश्वास करने वाला भी नरक में जाएगा और स्थान न सजे ऐसा संग करना धर्मी जीव को ऐसा संग में परिचय में नहीं जाना नहीं तो उल्टा उसे चढ़ा भी देगा कोई नाम नहीं उतर से समझ में आया अरे बसें सुनता हुई पाखंडी कुमति अज्ञानी कुलिंगी जिन लोपनम जिन लिंगी मिश्रेण जिन द्रोही ज्ञान लोपनम मिश्रण शब्द से मिश्रण शब्द है ना जिन लिंगी के साथ अपने को मिलाने के जिन लिंगी दिखाने के थे हाँ तो हम लोग भी पंडित लोग कहते हैं हमारे सनातन जैन प्रभु के नहीं वो बुद्धि वाला है कहीं थोड़ा बुद्धि वाला है दूसरा करता तो थोड़ा उसने यथार्थ समझना चाहिए वांछन करना चाहिए उसको एक एक शब्द में गाथा में क्या मूव में कहा है ऐसा यथार्थ में चले तो कारण स्वामी का ही तो सुदृढ़ हो जाता है तारण स्वामी के नाम से चला है ना वही तारण स्वामी का दूसरा कथन माने दूसरा संत जी हिंदू ही होगा तो साधु द्रोही होगा गृहस्थी द्वारा किसी का द्रोही होगा समझ में आया पाखंडी साधु कुमती ने कुसंस्कारधारी है सम्यक ज्ञान है नहीं कुसंस्कार का सुख सम्यक है नहीं उल्टा कल्पना तर्क शास्त्र अपना लगाकर कुशासन है मिथ्या देखी है वेग भी दूसरा है वेग भी दूसरा नंद कल्पना दूसरी है जिनके स्वरूप को लोपने वाला है वितराग परमात्मा उसका निश्चय सच महाराज उसका लोपने वाला है जो जिन लिंगी अपने में थोड़ा मिलाकर मित्र थोड़ा ऐसा जिन भगवान का द्रोही होता है सम्यक ज्ञान को छिपा देने वाला है लोपना माके उसका संग करना उसकी परीक्षा पहली करनी तो ये वो समझ में आया 248 पाखंडी उक्त मिथ्यात्म वचनम विश्वास क्रियते चत्रे सुदृष्टि दर्शनम मल विमुक्तयम पाखंडी भिक्षु साधुओं का द्वारा कहे हुए मिथ्या पोषक वचनों का विश्वास किए जाने पर शुद्ध आत्मिक शुद्धि दृष्टि का क्या हो जाता है अच्छा साधु का नाम है पर कोई पण ग्रस्त हो ज्ञानी हो बस उक्त मिथ्या नहीं पाखंड झूला शब्द के पाखंड पर विपरीत मान्यता वाला वास्तविक तत्व भगवान सर्वज्ञ देव का है एक रजकण की भी क्रिया आत्मा कर सकते नहीं एक राग दयादान का आते हैं वो करतु तो मानना होगी मिथ्या है
उससे विरोध करने वाला ज्ञानी मिथ्या का पोषक है। वचन विश्वास, इसका वचन का विश्वास करना, समझ में आया? जब तक शुद्ध दृष्टि, दृष्टि हो तो भी उसकी नाश हो जाती है, समझ में आया? सच्ची दृष्टि रहती नहीं। दर्शनम मल विमुक्तम, तो कैसा करना, मन एक संगत दर्शन नहीं रहता उसको। ऐसी श्रद्धा उचित मानने वाला की श्रद्धा करे, बहुमान करे, भक्ति करे, तो उसको सम्यक दर्शन सच्चा रह सकते नहीं है। धूल में कृपा से भोग होता है, नहीं क्या कृपा से भोग होता है। 250 ज्ञानम तत्वानि वेदन्ति शुद्ध समय प्रकाशकम् शुद्धात्मनम तीर्थम शुद्धम ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम। देखो ज्ञानम तत्वानि वेदन्ति, जीवादि सात तत्वों का ज्ञान करके आत्मा का यथार्थ अंदर अनुभव करना, वेदन करना, सात का ज्ञान सम्यक चैतन्य तर्क से झुकने से होता है, और उससे ज्ञान का वेदन करना, अनुभव करना, वेदन निर्विक शांति सम्यक दर्शन का वेदन करना, समझ में आया? और शुद्ध समय प्रकाश दुष्ट पदार्थ पुराना शास्त्र प्रकाश हो, समझ में आया? शुद्ध दुष्ट पदार्थ कहते हैं, शुद्ध शास्त्र का प्रकाश कहते हैं। शुद्धात्म तीर्थम, ऐसा शुद्ध तीर्थ स्वरूप शुद्धात्मा का झलकाने वाला हो, ऐसा ज्ञान को सम्यक नाम कहते हैं। शुद्ध तीर्थ स्वरूप जो आत्मा है, बाह्य तीर्थ व्यवहार है, आया? बाह्य तीर्थ व्यवहार है, मुक्त का कारण है, और दूसरे समय से मुक्त होगा, ऐसा आया? कहते नहीं कि जाओ भाई आत्मा रे, समय फिक्र का दर्शन करो, भव का नाश हो जाएगा, शत्रुंजा का गिरनार का भगवान ना पार कर के, हम ऐसा कहते नहीं, हमारी वाणी में ऐसा आया नहीं। सुगंध होता है पुण्य बंध का कारण, कसाई तीव्र से बचने को, ऐसा छुपा ज्ञानी को भी होता है, पर शुद्ध तीर्थ अपना स्वरूप का झलकाने वाला ज्ञान, चिदानंद ज्ञान, न्याय स्वभाव को प्रकाश करने वाला वही ज्ञान शुद्ध तीर्थ, व्यवहार है, व्यवहार स्थान में व्यवहार है, नहीं ऐसा नहीं, अपना शुद्ध स्वरूप ज्ञान उसका प्राण में जब फिर हो सकते नहीं, प्राण होते सके, भक्ति पूजा तीर्थ जात्रा होती है, उसकी मर्यादा, मर्यादा उसकी सीमा, राग की मंद का होना, पुण्य बंद का होना, इतनी उसकी सीमा है। उसे आगे लेकर जो विशेष लाभ बताते हैं आत्मा का, उसमें लाभ होगा मिथ्या दृष्टि है, समझ में आया? दृष्टि का ठिकाना नहीं, दृष्टि क्या सच नहीं, क्या व्रत ने नियम कुछ पर सच्चा होता ना, नहीं, समझ में आया? ज्ञान से ज्ञान की उन्नति का एक प्रयोजन हो, वही ज्ञान आचार जो हो, क्या कहते हैं? जो सम्य ज्ञान में सात तत्व का वेदन हो, शुद्ध शास्त्र का प्रकाशन हो, शुद्ध आत्मा फिर शुद्ध उसको झलकाने वाला हो, और ज्ञानम ज्ञान प्रयोजन, ये ज्ञान में अपना केवल ज्ञान प्रकट करना ही प्रयोजन हो, समझ में आया? अपना सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट करना हो प्रयोजन है, कोई दुनिया की आदरों की स्मृति के लेना, दुनिया राजी हो कैसा प्रयोजन है, उसका ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, समझ में आया? ज्ञानम ज्ञानम प्रयोजनम, ज्ञान की उन्नति का ही ज्ञान से प्रयोजन हो, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। शुद्ध अपना सम्यक ज्ञान ऐसा होता है कि ज्ञान से ज्ञान की बढ़वाई वृद्धि होती होती जाओ के हो जाए, दूसरा कोई काम ज्ञान से कुछ पुण्य बन जाए, कि कोई दुनिया में आदर मिल जाए,
दुनिया में बड़ा कहने में आते हैं, ऐसी भावना हो तो उसमें ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान का ज्ञान के प्रयोजन हो। वो समझ में आया बता ज्ञानेन ज्ञानम आलम्ब्यम पंचदीप्ति परिस्थितम परिस्थितम उत्पन्नम केवल ज्ञानम सार्धम शुद्ध दीक्षितम सम्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा सम्य ज्ञान आत्म ज्ञान हो शुद्ध आत्म ज्ञान को दृढ़ करना ही चाहिए। शुद्ध सम्य ज्ञान द्वारा आत्म ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। अपना आत्मा निर्विकल शुद्ध है उसकी श्रद्धा में ज्ञान को सम्य ज्ञान द्वारा दृढ़ करना। पंच प्रकार ज्ञानों के भीतर शेष रूप से स्थित जो केवल ज्ञान पांच ज्ञान में भी एक केवल ज्ञान एक केवल ज्ञान पैदा हो जाए वो बात ज्ञान में आनी चाहिए। हमें आया साथ ही शुद्ध आत्मिक प्रसन्न दर्शन हो जाए उसका नाम ज्ञान कहने में ज्ञान है ज्ञान अवलंबन एक लाख सन्न ज्ञान जैसा निर्मोह जो संगत दर्शन में ज्ञान हुआ उसका आलमन से केवल ज्ञान प्रकट हो और पांच ज्ञान में उसकी अधिकता हो उसका नाम शुद्ध दृष्टि कहने में आता अथवा शुद्ध आत्म प्रत्यक्ष दर्शन हो जा रहे जिससे ज्ञान से ये ज्ञान का नाम ज्ञान है। दुनिया ने समझा था आवड़े के ना आवड़े उसके साथ समझ है नहीं समझ आया हजारों मानस को भूलते हैं आते हैं समझाते हैं क्या है भाई का घर की आत्मा को क्या है उसमें उसका संज्ञ ज्ञान अपने अंदर में अपना ज्ञान की पूर्णता करने में प्रयोजन हो उसका ज्ञान को ज्ञान कहने में आता। संज्ञ ज्ञानी हो भूलने में भी ना आवे कोई को समझे ऐसा है संबंध मैं समझित होता है जैन साधु होकर मिशादृष्टि होता है अनंत वैर नवमी गृह देवी मुनि व्रत धार अनंत वैर गृहेक उपजा दो आचरण ज्ञान में ले सुखना संजक दर्शन का भान नहीं अने मुनि व्रत अंदर अनंत वैर धारे उससे कोई आत्मा का लाभ है अने जो मेंढक है चिड़िया चिड़िया चकला चकला वो भी संजक दृष्टि होता है भगवान का समोदरण में सुना है संज्ञान दृष्टि आप कहते हैं था ज्ञान आत्मा में है लेवा क्या जाऊं लेकिन नहीं ज्ञान बाहर की आता नहीं है हम कहते हैं अंदर में भरी उपरी अंदर में केवल ज्ञान का अखंड प्रभु आत्मा है ज्ञान बाहर से आते हैं पुस्तकाना में से आते हैं विश्वास नहीं विश्वास समझाऊंगे नहीं आत्मा सचिदानंद प्रभु सीद समान सदा पद मेरो मेरा स्वरूप में सिद्ध पद है मैं ज्ञान का पूर्ण भंडार हूँ ऐसा अनुभव करना संजक दर्शन में उसे ज्ञान की सम्यक प्रगटता होती है। बाई की बाई क्रिया शांत प्रवृत्ति से कोई सम्यक ज्ञान होता नहीं समझ में आया आत्मज्ञान से केवल ज्ञान लेना हो उसका प्रयोजन है दूसरा कोई प्रयोजन है नहीं। हाँ समझ में आया और जी मन पर हो क्या न हो उसके साथ समझ ले नहीं ज्ञान हुआ समय अन्य दर्शन पूर्वक तो उसका प्रयोजन केवल ज्ञान ही है दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। स्वर्ग मिलेगा नेता मिलेगा फिर संघ उत्तर बांधेगा ये प्रयोजन प्रयोजन नहीं हम कहते हैं समझ में आया बीच में विकल्प आ जाए बन जाए पर प्रयोजन नहीं ज्ञानी का। ज्ञानी का प्रयोजन सम्यक दृष्टि का अपना ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होकर केवल ज्ञान हो जाए बस। आज सम्यक दृष्टि का प्रयोजन हेतु है दूसरा कोई हेतु नहीं समझ में आया वैसे बावन जो आई वो खर कर गया था ना कि आज की बातें नहीं ज्ञानम लोचनम भव्यश्च देखो
कल आया था गुरु कहीं शब्द है क्या जिनोक्तम सार्थम ध्रुवम सुई तत्वानि विज्ञानम सुदृष्टि समाचरतु। ओहो भव जी की आंख तो ज्ञान है, देखो आंख नहीं एक कुशुद नहीं आत्मा ज्ञान मूर्ति परमानंद का जो ज्ञान से भान हो वो ज्ञान लोचन भव जीव को होता है। ये भव जीव की आंख है, समझ में आया? देखो भव जीव की आंख ज्ञान है जो यथार्थ है निश्चल है, जो ज्ञान यथार्थ है निश्चल है सार्थम यथार्थ ध्रुव निश्चल। जिनोक्त ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है जिसकी ज्ञान सम्यक चैतन्य की आंख प्रकट हो गई वो युग की आंख है, वो युग का ज्ञान है ऐसा त्रिलोकनाथ जैन परमेश्वर कहा। दूसरा जानपना हो न हो संस्कृत व्याकरण ने बोलने का एहसान फैसान है, पर जिसको अंदर सम्यक ज्ञान नेत्र खुल गया है उसको ज्ञान कहते हैं, उसकी आंखें समझ ज्ञानी आंखें समझ में आया। और शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध ज्ञान के द्वारा तत्वों का विशेष ज्ञान ज्ञान प्राप्त करे। सम्यक दृष्टि जीव तो अपना भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन की प्रतीत में जो सारा आत्मा आया है उसमें भाव शुद्ध निर्मल द्वारा सर्व तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। आया वो चौपन प्रचार का नहीं आचरण वाला नहीं और पात्र दान की बात थोड़ी नहीं सुना जो बसें बासठ बसें बासठ जो बासठ ओंकारं च वेदन्ति उपनपत्ततो वेदन्ति है ओंकार वेदन्ति है वातो अंत शुद्ध ज्ञान भाव वेदन्ति है। इंकारं सुतुचति अतसुदर्शनं जुयन्ति मज्पात्रं सदा बुधे। धर्मी जीव तो अपना आत्मा को अंदर अतक्षु द्वारा देखते हैं, अतक्षु द्वारा समझ में आया। ओंकार का अनुभव करते अनुभव शब्द का नहीं हुआ विकल्प नहीं हुआ हम ओम में कहा है आत्मा का भाव उसका। और हिंका जीव बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं अंदर बीज तो आत्मा केवल ज्ञान का बीज है उसको ज्ञान करते हैं और अचक्षुंदर सुंदर आत्मा को देखते हैं उनको ही आचार्यों को आचार्य सदा मध्यम पात्र कहा जो आर लेने में मध्यम पात्र हुए समझ में आया। लेकिन चौथा संस्थान है मध्यम है न उत्कृष्ट में अचक्षु दर्शनम सावक उसको कहें सावकाचार है कि नहीं तो अपना आत्मा को अंतर अचक्षु दर्शन से देखते हैं और आवेदन में परमात्मा का परमात्मा अचक्षु दर्शन की बड़ी समझो अर्जुना के बना बना परमात्मा प्रकाशमा योगिंद्र देव कहीं आत्मा को अचक्षु दर्शन द्वारा देखते हैं। खबर है खबर नहीं हाथ तो पड़े शू करे पांच वालों वक्त मोड़े नहीं भाई जी को समझा मामा भाई हमेश परमात्मा प्रकाश परमात्मा प्रकाश हाँ जी से प्रश्न के अचक्षु दर्शन क्या तो अचक्षु दर्शन तो अभुगर में होता है अचक्षु दर्शन जो लो तो निबोध को अचक्षु दर्शन है अभवी को भी अचक्षु दर्शन है समझ में आया। सुनो आपको मैं कि दिन का था लिया है थोड़ी और चक्षु दर्शन जुड़ी थी और चक्षु दर्शन क्या कि अचक्षु दर्शन तो अभवी को भी अनादि से है निगोद को भी अचक्षु दर्शन है अचक्षु दर्शन बिना का कोई प्राणी होता ही नहीं समझ में आया। पर अचक्षु दर्शन दूसरा है आंख बिना अंतर संज्ञ ज्ञान से आत्मा को देखना उसका नाम अचक्षु दर्शन कहने में आया है।
नहीं कोई कोई गाथा ऐसी खास लेने को ख्याल आ रहा कैसा और फिरा है उसमें समझ आया ऐसे नहीं से आप हरी ने कही है भाई अग्निहरी बापा एम कहते हैं प्रभु कहते हैं कि भाई जरा प्रभुत्व स्वभाव अंदर अनंत गुण का भंडार भरा है उसका अंतर ज्ञान दर्शन जिसमें आज चक्षु नहीं आज स्पर्श नहीं का इंद्रियो नहीं अतीन्द्रिय ऐसी अचक्षु दर्शन द्वारा आत्मा को देखना आया अंदर अचक्षु अचक्षु नहीं सम्यक दर्शन द्वारा आत्मा को देखना सम्यक लोचन द्वारा आत्मा को देखना उसका नाम अचक्षु दर्शन देखने देखा सिखाने में आता है विचार दर्शी अचक्षु उसमें क्या है चक्षु अक्षु दर्शन है ना वो तो अवधि को होता है अनादि निगोद में है और चक्षु दर्शन तो जैसा और इंद्रिय होता है चक्षु दर्शन होता है वो नहीं आए तो अंतर की आए ये पांच इंद्रिय नहीं मन ये नहीं पांच इंद्रिय नहीं मन नहीं समझ में आया ऐसा अंतर ज्ञान की पर्याय द्वारा आत्मा को देखना अनुभवना प्रसिद्ध करना उसका नाम होता है समझ में आया देखते हैं श्रेन्द्र देखते हैं हिम्मत पाकर थोड़ा बस थोड़ा अवीर की समित बस मिथ्या त्रिविधि न दृष्टि संत्रय निरोधनम स्वयं शुद्ध दृढ़ अविरत संग्रष्टित अवीर संयक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाला पात्र बनवाए ने तो पात्र कैसा है अवीर संयक दृष्टि उसके लक्षण बताया अवीर संयक दृष्टि अंतर में अभी आसक्ति का त्याग नहीं है कोई अंदर स्वरूप की स्थिरता चारित्र आदि नहीं है मिथ्या त्रिविधि न दृष्टि जिसमें मिथ्या भाव मित्र भाव संकित मनोभाव है नहीं मिथ्या की तीन प्रकृति है उसका भाव भी आत्मा में तीन प्रकार का होता है मिथ्या मित्र ने कि तीन प्रकार का भाव सम्यक दृष्टि को होता नहीं भाई तो हम किस बात करते हैं समझ में आया हाँ सम्यक दृष्टि को देखो आप पंचमाया की बात करते हैं रंग बात है ना ऐसा चौथा रंग बात अंकित मोदी करी हो दृष्टि में जिसे दृष्टि का न्याय शुद्ध अनाकुल आनंद ज्ञान का पिंड निर्मो ऐसा सम्यक दृष्टि को प्राण मिथ्या से रहित आत्मा दिख रहे हैं शल त्रय निरोधनम अंकित जी को तीन प्रकार का शल निकाल डाला है मिथ्या दर्शन है नहीं मिथ्या श्रद्धा उसके है नहीं मिथ्या निदान संघ है नहीं माया संघ है संघ आया निकल जो वृत्ति आते है कि नहीं सत्वा सूत्र में आते निकल जो वृत्ति तो जी मिथ्यात है माया संघ है क्या जी व्रत फ्रत कहां से आया दृष्टि में तो खबर नहीं कहा आत्मा क्या कुंज क्या दया क्या क्रिया क्या धर्म क्या परिपूर्ण क्या कैसे ज्ञान से कैसा प्राप्त होता है खबर नहीं तो उसको व्रत फ्रत कहां से आया क्रिया कहां से आई अर्थात ज्ञान बिने तो कहते हैं तीन सल रही निसर्जो वृत्ति मिथ्या सल निदान सल जने माया सल रही तो और तो व्रत भाव पंचम गुण स्थान आता है नहीं तर पंचम गुण स्थान आता नहीं सावकाचार की बात चलती है पांचवा गुणस्थान का आचार कैसा है चलता है उसमें तीन प्रकार का संग नहीं होता है मिथ्या का तृण भाव संकित मोहनी मिथ्या में स्वयं के शुद्ध दृढ़ निरोधन है ना रोक है अने शुद्ध ज्ञानी है संगत दर्शी शुद्ध ज्ञानी है भाव ज्ञानी है आत्मा का ज्ञान में भाग हुआ है चिदान ऐसा भाव से ज्ञान को सन्नत दृष्टि कहते हैं भले आवृत्ति हो
समझ में आया? और विश्लेषण हैं मुंह में लिया और भी रत्नंद व्यक्ति का भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा ये लक्षण कहा, वो लक्षण यहाँ कहने में आता है। उस शास्त्र में बहुत समझे होते दृढ़ा की नहीं को समझता है, दृढ़ा तक एक नहीं संगत दृष्टि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नई आत्मा एक रूप द्रव्यार्थिक द्रव्य जिसका अर्थ प्रयोजन है ऐसा ज्ञान से आत्मा कैसा है शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य दृष्टि से आत्मा को जानते हैं। समझ में आया? एक समझ की पर्याय दयादान का विकल्प और निमित्त वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय नहीं, वो पर्याय नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, उसको ज्ञानी जानते हैं। आदरणीय द्रव्यार्थिक नहीं का विषय द्रव्यार्थिक कोने के वो विषय कोने के वो शू विषय शुद्ध द्रव्यार्थिक है ना, देखो ना शुद्ध अर्थम जिसको शुद्ध द्रव्य प्रयोजन है लक्ष्य में पची द्रव्यार्थिक नहीं कहा अर्थी अर्थी प्रयोजन एक भगवान परिपूर्ण आत्मा द्रव्य दृष्टि में आता है द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है वो ही सन्नत दृष्टि का एक प्रयोजन है। समझ में आया? यहाँ गई पर्याय जाय क्या होती है वो व्यवहार से जानने लायक है आदने लायक नहीं। सन्नत दृष्टि को अपनी पर्याय निर्मल हो भी आदरणे लायक नहीं क्योंकि पर्याय में से पर्याय निर्मल होती नहीं। आया जी पर्याय कौन है द्रव्य कौन संसार में तो कहते हैं कि जितना सम्यक दृष्टि को साई समझित पर्याय होंगी साई समझित आया पर उसका प्रयोजन शुद्ध नहीं ऊपर है ध्रुव पर है उपाय संकेत को भी प्रवचार पचास गाथा में द्रव्य कहा है एक कहा है और प्रभाव कहा है और जो अर्जुन असूयम से शुद्ध व्यापन शुद्ध पड़ा है ना रंग दृष्टि का विषय द्रव्य है त्रिकाल न्याय प्रखंडानंद पूर्ण वस्तु पर्याय में क्षाय संकित हो अरे मुनियों ने छत्ते गुणस्थान चीन कसाय का अभाव से चारित्र दिशा हो वो भी सब व्यवहार में जाते हैं। क्या समझ में आया पंडित जी? राग ने दयादान ने पंच अक्षय मूल गुण तो विकल्प है तो व्यवहार में है ही पर अपनी पर्याय में जितनी शांति और चार चारित्र की संगत दर्शन स्वरूप प्रकट हुई चारित्र की वो भी निश्चय दृष्टि का विषय के आधार व्यवहार नहीं का विषय में जाते हैं। बहुत समझना पड़ेगा राजू जी। हाँ ऐसा ऊपर सब कैसा पैसा मिल गया ऐसा नहीं मिले आपकी प्रयत्न करना पड़ेगा काइंड मेहनत करते हैं ना कहता कहीं मेहनत करते हैं मौसम नहीं कहीं नहीं थे तुम्हारे से मेहनत करने वाला नहीं दूसरा बहुत कहीं नहीं मिलते तुम्हारे मिला पैसा क्या तुम्हारे मेहनत से मिला है देखो वो ही प्राणी राग के बिना रहे नहीं वो ही प्राणी है तो राग हुए बिना रहते हैं उसको पर मिलना है न मिलना कोई राग का प्रसाद से मिलते नहीं। समझ आया? देखो अभी समय दर्शन लगता उसको अविरत चौथा अनुष्ठान वाला समय दृष्टि कहते हैं जो मोक्ष मार्ग की पहली सिद्धि मोक्ष मार्ग की पहली सिद्धि स्वयं के शुद्र व्यार्थ अपना घर परिपूर्ण जिसकी दृष्टि में है अपनी प्रकट हुई पर्याय निर्मल और सब व्यवहार ये है उपाधि नहीं आदरणीय नहीं परिद्रव है प्रभाव है कई अपेक्षा है त्रिकाल द्रव्य में से दृष्टि देने से एक पर्याय प्रकट होती है कोई निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसमें से निर्मल पर्याय नहीं आती नहीं।
समझ में आया? बहुत जुनो तुम भाई, और यह जुनो अभी समस्या दुर्गा दृष्टि का प्रयोजन है शुद्र पर्याय है खरी नहीं नहीं नासी नहीं ज्ञान करने लायक ज्ञान वाला है जो रुद्र न्याय स्वभाव एक रूप वहन केवल ज्ञानी जब देखा ऐसी प्रयोजन दृष्टि में दृढ़ा फिर नहीं कर सके ऐसा मानने वाला जानने वाला उसको अविरत सम्यक दृष्टि तम और ये संगत दृष्टि होता है। समझ में आया? बहुत सरस बात है। मैं आज गई वो दान में कथन से मौके पात्रदानं च शुद्धं कर्म क्षिपन्ति सदा बुद्धि एक चीज आ रही है कर्म में गमन से आ जाओ ये बसें छूट जा रही है उसके साथ मिलान करना है कथन पद्धति ऐसी है थोड़ी ध्यान रखना पात्रदानं शुद्धं कर्म क्षिपन्ति सदा बुद्धि जे नरा दान चिंतन्ते अविरत सम्यक् दर्शितम् चौथा गुण स्थान वाला अविरत दृष्टि ग्रस्ताश्रम में रहते सतें कैसा होता है सदा बुद्धिमानों के द्वारा दिया हुआ शुद्ध पात्र दान ऐसा सन्नत दृष्टि बुद्धिमान नाम सन्नत दृष्टि उसके द्वारा दिया हुआ शुद्ध पात्र दान शुद्ध सन्नत दृष्टि सामने हो मुनि हो सन्नत दृष्टि ज्ञानी सात्या पात्र हो तो दान लेने कर्म शुभंती कि पाप कर्म का श्री कहता ऐसा लेना निजरा कर जाते हैं ऐसा नहीं देना समझ में आया कि देखो बहुत दोस्तों इसके उत्तर में लिया है देखो इसके उत्तर है पात्र दानम से भावे मिथ्या दृष्टि शुद्ध ही शुद्ध ये तो एक अपेक्षा शुभ भाव से दिवा भावना शुभ संवरण दान फलम स्वर्ग दानीनम जैसे शुद्ध आत्मा की भावना से परम उत्तम दृष्टि को पात्र दान का स्वर्ग मन है मोह तो कोई बंद ही होता है संगत दृष्टि को साचा संगत दृष्टि संतों को आर देने का भाव उन बंद का ही कारण संवर निद्रा का कारण है समझ में आया मेरे बात आ गई है कल परसों परद्रव चिंतन आया है ना आ गया है इतना परद्रव का चिंतन विकल्प परद्रव के अपेक्षा आते हैं सब पुण्य बंध का धर्म धर्म का ऊपर लक्ष्य हो तो पुण्य बंध का है स्त्री कुटुम परिवार का लक्ष्य आते से आते हैं तो पाप परिणाम है कोई उसमें अबंध परिणाम परद्रव के आश्रय से विकल्प है उसमें अबंध परिणाम कभी होता नहीं है सिद्धों का ज्ञान सिद्ध का परद्रव है जितना विकल्प उठते हैं इतना पुण्य बंध का कारण अपना स्वरूप का अंतर की एकाग्रता उन संबंधित रखकर है आत्मा के पहला कहा था वो पहला कहा था मैं परद्रव न चिंता ही फिर भी परद्रव है अपना द्रव है समझ में आया अरे भूता परद्रमा के पहला आया था ना आपने एक कहा था मान परद्रव न चिंता ही लिख लिया है थोड़ा थोड़ा आपने याद रहे नहीं बधु थोड़ा थोड़ा लिख लिया वो शेष आए दरकार हमने पहले सब देख लिया एक तो थोड़ा क्या देखो आत्मा सद्भाव आरक्तम पर द्रव्यम न चिंतई ज्ञान मयो ज्ञान पिंड चिंतई सदा बुधे परद्रव न परद्रव की चिंता न की जाए परद्रव कोई पर हो अपना द्रव शिवाय परद्रव का
फिर लक्ष्य में आया और विकल्प उठता है पुण्य है। लोगों ने सच धर्म की क्या चीज है उसकी दिखानी नहीं, श्रद्धा का ठिकाना नहीं, संगत दर्शन तो कहाँ रहा। और धर्म मान लो धर्म मान लो अनादि भाव से ऐसा लोग पढ़ा आत्मा सद्भाव अपना सद्भाव में आरक्तम परधर्म न चिंतय ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य एक लोग ज्ञानमय आत्मा अपना चिंतय इतना अनुभव करना चिंतय इतने चिंतन विकल्प करना ऐसा सदा बुद्धि योगो सदा बुद्धि ज्ञानी सदा अपना द्रव्य का आश्रय करके चिंता करना सदा बुद्धि ज्ञानी बुद्धि के ज्ञानी आया लाभ समझो आम के तू याद रात एक कलाक भाई तेरे में तो योजना नहीं सिखाता बापू तू प्रभु तो आ तो प्रभु पुरानी बात है आपने लिया बस नहीं क्योंकि पात्र दान करने से उसकी भावना करने से विचारदृष्टि शुद्धि हो सकती है उसका अर्थ है शुभ भाव हो हाँ शुद्धि न और बिना कहें शुद्धि सुंदर निद्रा होती है ऐसा नहीं विचारदृष्टि हो आया विचारदृष्टि साधा ज्ञानी को अपन दान करने में हो तो सब शुभ विकल्प है आया पर द्रव्य का आश्रय जितना हो उतना विकल्प है समय दृष्टि को भी पात्र दान में विकल्प है और शुद्ध आत्मा की भावना से परिपूर्ण समय दृष्टि है उनको पात्र दान का फल स्वर्गमन है आया पशु आदि को ऐसा कोई भय से अच्छू थे स्वर्गमन से मोती न्याय क्षिपंती कर्म क्षिपंती लीधो देख ली संवर निद्रा कर एम नहीं पाप कर्म क्षिप ऐसा लेना और पुण्य बंद होता है तो स्वर्ग में जाते हैं आया एक बाजू परद्रव का चिंतन से राग एक बाजू परद्रव को आग लेने से कर्म खपे ऐसा है नहीं वो तो पाप का परिणाम जाते हैं उन परिणाम होता है जितने पाप कृत्य है बाकी उसमें आगे जाने पात्र दान भावे न भावना शुद्ध संपूर्ण संगत दृष्टि दान फलम स्वर्ग स्वर्ग में जाएगा आया पाप न था पाप नहीं उसमें लगा देख पर गुरु को आर दान देने से भव का नाश हो जाएगा परिसंसार हो जाएगा कभी है नहीं बिना विकराग मार की गुटा उठ जाए समझ में आया अपनी स्वच्छंदता से अर्थ करके शास्त्र का विरोध हो जाए बस है मौके पात्र दानं च शुद्धं च कर्म क्षिपन्ति सदा बुद्धि देखो ते नरा दान चिंतन्ति मुनि को भावना हो सम्यक दृष्टि को भावना होती है पर चक्र की व्यथा सखंड का धन खाए समझी थी हर वक्त ओहो सम्यक दृष्टि मुनि संत भाव की आज ने कद वर्ष कहा सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि की भावना मुनि को करते हैं मंगला बड़ा है तो चक्रवर्ती है ना इंद्र में इंद्र जैसा तो मंगला होता है ऐसा सांखड़ी रतन की पैर कर बाहर निकले मंगला तो बहुत है दूर बहुत है पता दरवाजा बाहर निकल के अरे कोई मुनि पाल लेंगी संतोष संगत दृष्टि अनुभवी ऐसी भावना करते हमारे क्या ऊपर से मुनि उतरते हैं उतरते हैं ओ ओ आज हमारा आंगना कलश रखना भजन इसी सुभाव की भक्ति सुन्न दृष्टि को आया बिना कहते ही पर वो सुभाव है समझ इतना नहीं
बात समझ लेना, समझ में यूं मैं क्या कर लिया था। श्री नरासार चिंतन से अव्यक्त समझ सकते हो तुम उसको, अव्यक्त समझ सकते कहते हैं। दान की भावना होती है मुनि की, दान संकृति को संकृति आप है, संकृति श्रावक को आप है, संकृति मुनि को आप है, ऐसी भावना है। पर ये सब पाप का थोड़ा क्षय होता है, पुण्य का बंद होता है, दृष्टि स्वभाव पर है, जितना एकाग्र स्वभाव में इतनी संबंध होती है। वचन गुरुदेव।